आज हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं टर्किश बारबेक्यू शावरमा। इनका जो कॉन्सेप्ट है भाई वो अलग सा है बिल्कुल, और ये कोई आग वगैरह या गैस पे नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं कोयलों पे, और कोयलों वाला शावरमा आज हम लोग ट्राई करने जाएंगे। ये बताएंगे आपको जो ये कोयलों पे शावरमा बनने का कैसा आइडिया कैसे आया ये आपको? असल में एक दफ़ा देखा था ये मोबाइल के अंदर, मोबाइल पे देखा था लेबलीज के नाम से, लेबलीज बारबेक्यू। हाँ हाँ, इसके नाम से मैंने देखा था तो घर में ट्राई किया। अलग सा है, अंकल इसको हटा के दिखाएंगे कोयले, ये कोयले भी और बड़ी चिकन जो है ये थोड़ा बारबेक्यू हो रहा है, जो कोयले का जो एक स्मोक आ रहा है और बाकी जो इनकी सॉसेज हैं वो सारा जो काम कर रही है ना सारे वैसे उसके बारबेक्यू जो गोटियाँ थी समझ ले टिक्का शावरमा है। क्या टिक्का आपने खाया होगा? अस्सलामुअलैकुम तो लाइव वबरकातु, मेरा नाम है शीश वाली। तो आज हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं टर्किश बारबेक्यू शावरमा। तो अभी मैं मौजूद हूँ 7 नंबर में, और इनका जो कॉन्सेप्ट है भाई वो अलग सा है बिल्कुल, और ये कोई आग वगैरह या गैस पे नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं कोयलों पे, और कोयलों वाला शावरमा आज हम लोग ट्राई करने जाएंगे। ये बस लग रहे हैं और भाई कोई एंड सा सीन होने वाला है, और ये शावरमा मतलब आप खाएंगे तो आपको बोले नॉट कमिंग स्लो। ये जो शावरमा बनता है इसमें कुछ सॉसेस डलती हैं इनकी, बाकी ये बनता है कोयलों पे, और चिकन का शावरमा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, चलो भाई अब देखते हैं कि ये बन रहा कैसा है। ये है शावरमे का स्टॉल, और अभी हम लोग उनके पास जाके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। ये बताएंगे आपको जो ये कोयलों पे शावरमा बनने का कैसा आइडिया कैसे आया ये आपको? आइडिया मेरे पास तो मैंने असल में एक दफ़ा देखा था ये मोबाइल के अंदर, मोबाइल पे देखा था लेबलीज के नाम से, लेबलीज बारबेक्यू। हाँ हाँ, इसके नाम से मैंने देखा था तो फिर उसके बाद मैंने घर में ट्राई किया। अच्छा, ट्राई करने के बाद मैंने उसको बनाया, बनाने के बाद दोस्त यारों को खिलाया। मैं आपको ये बताऊँ कि अंकल ने फर्स्ट टाइम हैदराबाद में स्टार्ट किया है शावरमा, इससे पहले कोई भी ये बारबेक्यू कोयलों वाला शावरमा कोई भी नहीं बनाता था, और ये फर्स्ट टाइम हम लोग खाएंगे अंकल के हाथ का बना हुआ। ये हमारा शावरमा बनना स्टार्ट हो रहा है, और ये पीटा ब्रेड है, ये पीटा ब्रेड है पहले, ठीक है। और इसमें आप पहले इसको क्या सेकते हैं? पहले इसको हम लगाते हैं, ये हमारे पास अपनी मायो, नहीं ये मायो नहीं, ये क्रीम बनी हुई है हमारी, क्रीम है। अच्छा जी, हाँ ये क्रीम हमने लगाई है। अच्छा, लगाने के बाद इसको हमने हॉट प्लेट पे रखा है, ये हमारी हॉट प्लेट है जिसके अंदर कोयले भी हैं और ये हॉट प्लेट का भी काम कर रही है, ठीक। अच्छा, इसका सेटअप बड़ा अलग सा है, अंकल इसको हटा के दिखाएंगे कोयले, ये नीचे कोयले, ये देखें कोयले भी और बड़ी चिकन जो है ये थोड़ा बारबेक्यू हो रहा है, और नीचे कोयले बनने और कोयलों पे ही ये ब्रेड जो है वही टिकती है, और ये अंकल की नाइफ आ गई, इसको देखेंगे थोड़ा सा। ये तो होम मेड नहीं होता होगा? नहीं, ये तो हमारे पास कराची से आती है ब्रेड, कराची से आती है ब्रेड ये कराची है, रोजाना डेली हमारा फ्रेश आती है, फ्रेश आती है ये डेली, और ये मेजी की पीटा ब्रेड है भाई। ब्रेड जो है हमारी रेडी हो चुकी है, और अब अंकल इसमें सॉसेस वगैरह लगाएंगे, तो ये हो गए अंकल बुकिंग रेडी? जी हाँ, चलें ठीक है। इसको अंकल ने यहाँ रखा, और अब इस पर लगेंगे, ये कौन सी सॉस है? ये हमारी चिली है, ये रेड चिली, रेड चिली सॉस है, ये ग्रीन चिली हमारी खुद की बनी हुई है। अच्छा, दोनों आपकी खुद की बनी हुई है? ये फ्लेवर है हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चों का। अच्छा, ये मेरे खुद की बनी, ये भी रेड चिली है, रेड चिली, ये वाइट क्रीम है, ये क्योंकि इसको हमने होटल में। अच्छा, हुम्मस वगैरह भी डालते हैं? नहीं, हुम्मस नहीं है हमारे पास। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है इसी का टेस्ट बड़ा आला है, तो हुम्मस वगैरह जो है हम यूज़ नहीं करते, इसी के अंदर हमारा बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, तो ये कुकम्बर जाएगा, और इसमें आप जाएंगे कैबिज, ये कैबिज आ गया, ठीक है। अब इसमें चिकन जाएगा? नहीं, अभी हम इसको जूसी करने के लिए जो है इसको ये लगाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी चिकन हम, ये कौन सी सॉस है ये वाली? ये हमारी खुद की बनी हुई है चिली है, रेड चिली है। अच्छा, ये खुद की बनी है, ये इसमें आप ये जो चिकन है ये कट होगा, और ये बारबेक्यू वाला सारे पैसे इस चीज़ के इसी में जाने समझे शॉर्ट में, और ये कट हो रहा है। अच्छा, डेली जो है वो चिकन आप लोग फ्रेश लगाते हैं, ख़त्म करके जाते हैं, और फ्रेश जो है ना सबसे पहले ख़त्म करते हैं, यहाँ पे और भी लगे हैं। अच्छा जी हाँ, चले ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है वो कट चुका है, और इसको ट्यूब्स में जो काटते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर वो इसका समझ लें आप, एक कीमा ऐसा बनेगा? नहीं, कीमा नहीं बनाएंगे हम इसका। अच्छा, हम इसके पीसेस करेंगे ये इतने बड़े, तो छोटे खाने में जो ना सही पता पड़ेगा, पूरे पूरे सही तरह बाइट आ सके, वरना थोड़े बड़े भी होते हैं तो सही तरह नहीं आता फिर बाइट। ये साइज़ होता है हमारा तकरीबन सही, ये देखें छोटे छोटे गोश्त बिल्कुल जो है ना, इसका चिकन बिल्कुल जो है ना पका हुआ पका हुआ, जब ही देखें इतना सॉफ्ट हो रहा है कटने में।
और ये देखिए हमारा शवरमा रेडी होने लगा है, बस में ये डालेंगे उसके बाद हम रेडी हो जाएगा। अब ये जो है ये जो पीसेस हो चुके हैं और अब ये शवरमे के अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या टेस्ट आएगा। और ये देखिए ओए 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 क्या मज़े का लग रहा है। अच्छा जो एक कोयले की खुशबू होती है ना वो भी आ रही है इसमें, ये इसमें सॉस गई, ये इसमें क्रीम आ गई और ये हमारा तैयार हो चुका है शवरमा। ये देखिए फर्स्ट टाइम है भाई हैदराबाद में बाजी को शवरमा, आप लोग चाहें तो आ सकते हैं। आप लोग देख रही है बिल्कुल सामने है ये शवरमा वाली अंकल दुकान। अच्छा नाम बता दीजिएगा तो शवरमे का, मिस्टर बाजी की शवरमा, मिस्टर बाजी की शवरमा। ये देखिए हमारा रोल हो चुका है शवरमा और अब हम इसको ट्राई करेंगे ये शवरमा। तो भाई शवरमा जो है वो हम लोग आ चुका है और अब हम इसको ट्राई करेंगे। ये देखें आप लोग बड़ा कोई जूसी किस्म का शवरमा हो रहा है और अब हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं। यार इसका टेस्ट ना क्या बताऊँ, कोई मज़े का है एंड हो गया समझ लें आप। यार इसमें जो कोयले का जो एक स्मोक आ रहा है और बाकी जो इनकी सॉसेस हैं वो सारा जो काम कर रही है ना सारे वैसे उसके सॉसेस का टेस्ट आ रहा है और जो बारबेक्यू जो गोटियाँ थी समझ लें टिक्का शवरमा है, क्या टिक्का आपने खाया होगा मतलब टिक्के वाली चीज़ है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं आदिल बेकरी के सामने आएँ और टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, तो बड़ा मज़े का शवरमा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आज की वीडियो करते हैं ये एंड, बाय।